Hey guys, my name is Tejasvi and welcome back to my channel. आज मैं आई हूँ सिटी ऑफ वाटरफॉल्स विच इज वन ऑफ द हिडन जेम ऑफ महाराष्ट्र और उसका नाम है जवार। जवार में ज्यादा लोग मानसून या फिर विंटर्स में आना पसंद करते हैं एज यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल एंड सीनिक साइट सीइंग पॉइंट्स है जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस वीकेंड जवार आने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। लाइक जवार में आके आप कहाँ पर स्टे कर सकते हो, देन यहाँ के साइट सीइंग पॉइंट्स एंड एवरीथिंग विद इसका कॉस्टिंग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जवार ये मुंबई, नासिक, वापी, पालघर इन सब जगहों से एकदम पासी में है, तो यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट वे इज बाय ओन प्राइवेट व्हीकल। अब अगर आप जवार आके यहाँ पर स्टे करना चाहते हो तो आई हैव मल्टीपल स्टे की ऑप्शंस। फर्स्ट इज प्रकृति एग्रो फार्म। यहाँ पर एसी, नॉन एसी ऐसे दोनों रूम्स है विच आर जस्ट अमेजिंग। देन यहाँ विद फूड, विदाउट फूड ऐसे दो अलग अलग पैकेजेस है। और इसके अलावा इस फार्म में देयर इज स्विमिंग पूल एंड किड्स प्ले एरिया एज वेल। तो यहाँ का कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 1300 टू 3500 डिपेंडिंग ऑन दिस सीजन। और करंट कॉस्टिंग जानने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। उसके बाद अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो तो आप जा सकते हो दाबोसा एग्रो टूरिज्म एंड कैंपिंग। ये दाबोसा वाटरफॉल के पास ही में है और यहाँ ट्विन शेयरिंग टेंट आपको मिल जाएंगे और इसका कॉस्ट है 1500 रुपीज पर पर्सन इंक्लूडिंग फूड, दैट इज इवनिंग हाई टी, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। और एट लास्ट अगर आपका ग्रुप है या फिर बड़ी फैमिली है तो देर इज दिस वीला कॉल्ड आरओई होम स्टे। टॉप रेटेड प्रॉपर्टी है, यू कैन चेक इट आउट देयर इंस्टाग्राम पेज। और यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज करने मिलेंगे, लाइक वार्ली पेंटिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, देन मास्क मेकिंग एंड मेनी मोर थिंग। तो ये रहा उनका कॉन्टेक्ट नंबर। सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ लेट्स एक्सप्लोर यहाँ के प्लेसेस। फर्स्ट प्लेस इज जयविलास पैलेस। यहाँ पर अंदर तक फोर व्हीलर नहीं जाती है, सिर्फ टू व्हीलर ही जा पाती है। तो जो फोर व्हीलर से आते हैं उन्हें रोड साइड व्हीकल पार्क करके अंदर 5 मिनट का वॉक करना होगा। सो गाइस, ये है जयविलास पैलेस। ये एक हिस्टोरिक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जवार का, विच वॉज बिल्ड बाय राजा यशवंत राव मुकने। ये मुकने रॉयल फैमिली का रेसिडेंशियल पैलेस हुआ करता था जिसे राजबारी ये नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही सुंदर है ये पैलेस और इसे साइनाइट स्टोन से बिल्ड किया गया है, वो भी एक हिल टॉप पर, तो यहाँ से व्यू भी काफी सुंदर दिखाई देता है। पैलेस के अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, तो आप इसे बाहर से ही एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आफ्टर दिस नेक्स्ट इज हनुमान पॉइंट। इस प्लेस का नाम हनुमान पॉइंट रखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक पुराना हनुमान जी का टेम्पल है जिसका नाम है काट्या मारुति टेम्पल। तो यहाँ दर्शन लेके आप आगे जा सकते हो टू सी दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ जवार। इस वैली का नाम है देवकोबाचा कड़ा, जहाँ से सुंदर पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है और इसीलिए ज्यादातर लोग यहाँ पर फोटोशूट करने के लिए भी आते हैं। अब इस पॉइंट को सनराइज पॉइंट ये नाम से भी जाना जाता है, एज यहाँ से बहुत ही सुंदर सनराइज देखने मिलता है। तो आप यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग भी आ सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके जाएंगे हमारे नेक्स्ट साइट सीइंग पॉइंट पर, जो कि है शिरपामल। अब इस पॉइंट पर आते टाइम डोंट फॉलो गूगल मैप्स वाला रूट, इंस्टेड आप सर्च कर सकते हो शनबन विश्रांति ढाबा, जिसके सामने ही है ये छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक शिरपामल। यहाँ पर आपको ऊपर जाने के लिए कुछ स्टेप्स चढ़ने होंगे, सो लेट्स गो। तो गाइस, ये है शिरपामल का टॉप। अब इस प्लेस का एक छोटा सा हिस्ट्री है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज 31 दिसंबर 1664 को अपने मराठा आर्मी के साथ सूरत जा रहे थे। तब उन्होंने यहाँ पर कैंप सेट किया था और जवार के कोली रूरल दैट इज विक्रम शाह मुकने को वो मिले थे। तो बेसिकली ये उनका मीटअप प्लेस है। और फिर 1 मई 1995 को जवार की प्रेसिडेंट राजाराम मुकने इन्होंने यहाँ पर ये मेमोरियल बनाया। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट प्लेस इज दाबोसा वाटरफॉल। दाबोसा वाटरफॉल ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस है जवार की और यहाँ पर मानसून में ज्यादा लोग आते हैं टू वॉच दिस इनक्रेडिबल एंड ह्यूज वाटरफॉल। यहाँ प्रॉपर पार्किंग अवेलेबल है एंड इवन कुछ खाने के स्टॉल्स वगैरह भी है, तो यू कैन स्पेंड सम टाइम हियर व्हाइल वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ वाटरफॉल। अब वाटरफॉल तक हमें जाने तो नहीं मिलता है, और अगर मिले भी तो आई विल सजेस्ट कि आप ना ही जाए, आप यही से इसका ये सुंदर व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर दाबोसा वाटरफॉल के पास में स्टे के भी ऑप्शन है, लाइक कैंपिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो अगर आपको नियर दाबोसा वाटरफॉल स्टे करना हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। अब आफ्टर दिस जाएंगे हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है खड़कड़ डैम। सो गाइस, ये है खड़कड़ डैम। ये रोड साइड ही है और पानी ओवरफ्लो होने की वजह से बहुत अमेजिंग लग रहा है।
बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से हम भी यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं रुक पाए एंड ऑल्सो आजू बाजू में भी आपको कुछ फूड स्टॉल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। अब द लास्ट लोकेशन इज सनसेट पॉइंट विच इज अ पिकनिक पॉइंट जहाँ ज्यादा लोग इवनिंग के टाइम पर आना पसंद करते हैं। अब गाइस इसके अलावा देयर आर फ्यू मोर प्लेसेस विच यू कैन विजिट इन जवार लाइक जयसागर डैम, काल मांडवी वाटरफॉल, हिरडपाड़ा वाटरफॉल एंड सो ऑन। तो ये तो वही यहाँ के सारे प्लेसेस टू विजिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइटनरी। अगर आप सिर्फ वन डे के लिए आते हो तो आप लाइन में ये सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जय विलास पैलेस, देन हनुमान पॉइंट, देन शिरपा मल और फिर बीची में लंच करके दाबोसा वाटरफॉल एंड खड़कर डैम विजिट करके एंड में सनसेट पॉइंट जा सकते हो। एंड अगर आप टू डेज के लिए जवार आते हो तो आप डे वन में जय विलास पैलेस, हनुमान पॉइंट, शिरपा मल एंड सनसेट पॉइंट जा सकते हो और फिर डे टू में यू कैन एक्सप्लोर दाबोसा वाटरफॉल, हिरडपाड़ा वाटरफॉल, खड़कर डैम, जयसागर डैम एंड टाइम मिले तो काल मांडवी वाटरफॉल भी जा सकते हो जहाँ पर समर्स में क्लिफ जंपिंग वगैरह होती है। अब आफ्टर आइटिनरी अगर मैं इसके बजट की बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप कहाँ से एंड किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो। उसके बाद अकोमोडेशन जिसका कॉस्ट विल स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 फॉर वन नाइट पर पर्सन और ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर किसी भी साइट सीइंग पॉइंट पर कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है। देन एट लास्ट अबाउट द फूड, पर पर्सन फूड का कॉस्ट होगा 500 से लेकर 700 के बीच पर डे का और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अप्रॉक्स टोटल ट्रिप का कॉस्ट होता है 2000 रुपीज पर हेड एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट फॉर वन नाइट स्टे। सो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट जवार। मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारे ब्यूटीफुल एंड सीनिक प्लेसेस हमने विजिट किए। तो अगर कभी आप भी जवार आते हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।